9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस डिबेट पे हम चर्चा करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां सभी दलों की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां बखूबी कर ली है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो 4 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन कांग्रेस इस बीच एक्टिव कम नजर आ रही है। हम बात इसलिए कांग्रेस के बारे में हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल लगातार रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा चेहरा अभी तक नहीं आया। सिर्फ राहुल गांधी एक बार आए हैं और फिर उसके बाद वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चले गए हैं। और अगर हम बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी अभी तक लगातार यही हवाला देती रही है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए मेरे साथ ही जुड़ी हुई है प्रांची। प्रांची, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की एंट्री ने ये मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितना नुकसान, कितना फायदा? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जैसा कि आपने कहा है कि अब ये मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पंजाब राज्य में जीत हासिल की है और उस जीत के बाद अब समीकरण आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल तो 2 राज्य काफी ज्यादा मायने रखते हैं, गुजरात है और हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अब जो चुनाव होने वाले हैं वो दिसंबर के महीने में होने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि बीजेपी की रणनीतियों से हम वाकिफ हैं। बीजेपी को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष ने यहां पर दावे किए हैं कि बीजेपी यहां पर विधायकों की टूट को देखना चाहती है, विधायकों की तोड़ में व्यस्त है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में आरोप लगाए, वह जगह जगह का दौरा कर रहे हैं, तो वह बीजेपी पर यही आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हमने देखा कि सीबीआई की छापेमारी देखने को मिल रही है, ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है, तो बीजेपी पर यही आरोप है कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर चल रही है। और दूसरी ही तरफ दूसरे राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकार है, उसको गिराने के लिए यहां पर विधायकों में टूट पैदा करना चाहती है, तो इसी वजह से यहां पर देखा जाए तो रणनीतियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसमें सफल हो गए, क्योंकि उनके विधायकों में टूट देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दिल्ली में उनकी ये जीत तो रही, लेकिन अब गुजरात की बारी आती है, बीजेपी का गढ़, पीएम नरेंद्र मोदी का गढ़ कहा जाता है गुजरात। और ऐसे में बीजेपी की रणनीति अब कितने गुना आगे बढ़ सकती है, ये हम सभी बखूबी समझ सकते हैं। कि क्योंकि वहां पर 10 से 15 साल खुद सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने राज किया था, लेकिन अब वहां पर अरविंद केजरीवाल हुंकार भर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी का यह दावा है कि साल 2024 में प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे, ये दावा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि वह कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात यहां पर कांग्रेस के बारे में करते हैं। कांग्रेस से जो सबसे बड़ी चूक दिख रही है वो यहां पर यह दिख रही है किरण, कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू कर दी। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि यहां पर कांग्रेस जोड़ो यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यहां पर वाकई में उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन गुजरात का क्या, हिमाचल प्रदेश का क्या? भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश को ही शामिल नहीं किया है, क्योंकि अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और यहां पर सितंबर का जो महीना चल रहा है, अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में चुनाव है, तो ऐसे में देखा जाए आखिरकार उन्होंने इन 2 राज्यों को अलग क्यों रखा। अगर राहुल गांधी चाहते तो गुजरात पहुंचते, गुजरात के बाद हिमाचल प्रदेश का भी वह दौरा करते तो काफी ज्यादा बेहतरीन होता उनके लिए, क्योंकि यहां पर एक मजबूत पकड़ उनको मिल सकती थी। लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी चुना है। उत्तर प्रदेश में क्या है, वहां से आप ठीक है बहुमत तो यहां पर देखने को मिल सकता है, शायद यह भी हो सकता है कि कांग्रेस खेमे में किसी छोटे दल को जोड़ दिया जाए, गठबंधन देखने को मिले, तो तमाम कयास जारी है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए तो गुजरात विधानसभा चुनाव में फिलहाल तो यहां पर कयास ये जारी है कि आखिरकार यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा कौन होगा, और दूसरी ही तरफ कांग्रेस की तरफ से हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो सवाल यहां पर यही खड़ा होता है। और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे आगामी विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में देखा जाए समीकरण काफी सारे हैं किरण। और लेकिन यहां पर सवाल ये उठना लाजिमी बनता है, क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल यहां पर जीत हासिल करते हुए दिखाई देंगे?
देखिए आप प्रांशी, मेरे आपसे सिर्फ दो सवाल रहेंगे कि देखिए जैसे गुजरात गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल आकर अपनी रैलियां कर रहे हैं और उनकी तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं, और उनकी तरफ से एक रैली में बयान दिया गया कि एक बार एक मौका देकर देखिए भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा काम किया जाएगा। वैसे तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कुछ भी काम नहीं किया है, और देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए गए हैं वो सब कुछ गुजरात में बनाए जाएंगे, और उन्होंने महिलाओं को लेकर भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 1,000 रुपए हर महिला को अगर उनकी सत्ता में सरकार आती है तो उन्हें दिए जाएंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा मेरा यही सवाल कि जो ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही गुजरात में ये सारी सुविधाएं नहीं है, या फिर ये अब केजरीवाल की राजनीति है? क्योंकि वो फ्री की राजनीति हमने देखा है कि पंजाब में भी करते नजर आए हैं, दिल्ली में भी करते नजर आए हैं, तो क्या अब अगला टारगेट उनका गुजरात है कि क्या गुजरात में वो अपनी फ्री की राजनीति करके सत्ता पर काबिज हो पाएंगे? मेरा दूसरा आपसे सवाल ये रहेगा कि साल 2017 के अगर हम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को वो सीटें मिली थी 77, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें मिली थी, तो मतलब कड़ी टक्कर हम वहां पर देखने को मिली थी, और सत्ता में आने के लिए सिर्फ 92 सीटें चाहिए होती, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है, तो आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से क्या ये 99 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की है ये कम होंगी, ज्यादा होंगी, या फिर कांग्रेस की जो 77 सीटें आई थी वो कम होंगी या फिर ज्यादा होंगी? सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल पर अगर गौर किया जाए तो बीजेपी की तरफ से इसे फ्री की रेवड़ी कहा गया है, जो फ्री योजना लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरीके से यहाँ पर फ्री योजनाएं लागू की हैं, उन फ्री योजनाओं में देखा जाए तो जनता यहाँ पर फायदे उठाती हुई तो नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ हमने जो लाइव सेशन किए थे किरण, उसमें हमने ये देखा था कि जनता ने अपने गुस्से को भी बार बार जाहिर किया था। जब अरविंद केजरीवाल से गलती हुई थी, जब बुलडोजर अभियान चलाया गया था, उस बुलडोजर अभियान के दौरान दिल्ली के अलग अलग राज्यों में जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल आगे क्यों नहीं आए थे? उस वक्त वह चुप्पी साधे हुए दिखाई दिए थे। अरविंद केजरीवाल उस वक्त लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचे थे? उस वक्त सवाल खड़े हुए थे जब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, लोगों की जो संपत्ति थी वो एक तरीके से एक पल भर में ही ढहाई जा रही थी, और उस वक्त वह गुजरात में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, फ्री की योजना को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जैसा कि आपने बताया ही कि महिलाओं के लिए क्या फैसले लिए जाएंगे शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, दूसरी तरफ धार्मिक यात्राएं जो की जाएंगी वो भी फ्री की जाएंगी, जिस तरीके से दिल्ली से जो यात्राएं की जाती हैं चारों धाम की जो फ्री होती हैं, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ऐलान किए हैं। हरियाणा पहुंचकर भी उन्होंने यही ऐलान किया कि एक बार हरियाणा के लड़के को मौका तो देना चाहिए, फ्री बिजली और फ्री पानी यहां पर मिलेगा, यहां पर जीरो बिल नजर आएगा, तो आपको मौका देना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल यहां पर एक तरीके से देखा जाए किरण, तो वह फ्री शब्द का इस्तेमाल करते हुए इसी योजना पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी के लिए वाकई में एक बेहद कड़ी चुनौती बन सकती है। और दूसरी ही तरफ इंडिया को नंबर वन बनाने के लिए जो उन्होंने पॉलिसी छेड़ दी है, जो मुहिम स्टार्ट की है, उसमें भी आप फ्री योजना लागू कर रहे हैं, तो ऐसे में देखा जाए आखिरकार अगर यहाँ पर उनकी सरकार बन जाती है, अगर वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो क्या वाकई में वह फ्री योजना के चलते पूरे ही देश का विकास कर सकते हैं? अगर फ्री योजना के हिसाब से वह पूरे ही देश का विकास करने वाले हैं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा, जो बीजेपी के लिए भी एक कड़ी टक्कर बन चुका है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो वाकई में यहाँ पर सीटों पर अगर बात की जाए, सीटें क्या कम होती हुई नजर आएंगी कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आई थी दिल्ली में, और दूसरी ही तरफ हमने देखा कि कांग्रेस के बाद यहां पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, लेकिन कड़ी चुनौती यहां पर बीजेपी के लिए तो वह बनते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी यहां पर उनकी चुनौतियों को पूरा होने देगी, बल्कि यहां पर चाणक्य नीति जो अमित शाह जी की चलती है वो चाणक्य नीति कब काम आएगी? क्योंकि अभी तो वह राजस्थान पहुंचे, राजस्थान वह वसुंधरा राजे के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे, वसुंधरा राजे जिस तरीके से ऐलान कर रही है कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने लाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, और दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सीटों पर अगर गौर किया जाए किरण, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सीटों को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी ने अभी
तगड़े तरीके से यहाँ पर हुंकार तो नहीं भरी है। अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर आहट हमें दिखाई तक नहीं दे रही है, क्योंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में तो जुड़ चुकी है। और विपक्ष का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव पर वह सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, उनमें भी जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में देखा जाए आम आदमी पार्टी उन सारी ही चीजों का उन जितने भी जो मौके मिल रहे हैं कांग्रेस को लेकर उनका फायदा उठाती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव हमें देखने को मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी यहां पर कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी से टक्कर लेती हुई नजर आ सकती है। तो प्रांशु ने बहुत ही विस्तार से हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए, तो अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या आम आदमी पार्टी की एंट्री से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, और आम आदमी पार्टी क्या गुजरात की सत्ता पर काबिज हो पाती है या नहीं, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।